कार्यक्रम का आनंद लें। ये कार्यक्रम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के नए संस्करण में आप सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, ये कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम, इसमें गुरुदेव के मूल उद्देश्यों का वर्णन होता है। हम गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलते हुए, गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को हम निरंतर चला रहे हैं। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। गुरुदेव के मार्गदर्शन में चलने वाला कार्यक्रम है। गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना, देश दुनिया तक पहुंचाना इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। हम सारे साधक एक जैसे हैं। हम सारे साधक गुरुदेव के श्री चरणों के दास हैं और उस चरणों की पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग चलाते हैं। ये कार्यक्रम सुबह 5:15 बजे और 5:30 बजे के बीच में चलता है। 5:15 बजे 5:30 बजे हम लोग ध्यान करते हैं, सिर्फ ध्यान का कार्यक्रम होता है। और शाम का कार्यक्रम जो है 7 बजे चालू होकर के 7:20-7:25 तक गुरुदेव की हम स्पीच सुनते हैं और 7:25 के बाद गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरु मंत्र सुनते हैं और 7:30-7:45 तक हम नियमित ध्यान करते हैं। और दूर दराज से आए हुए सारे गुरु भाई बहनों का इसमें बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जितने भी साधक बंधु आते हैं, जितने भी गुरु बहने आते हैं, गुरु भाई आते हैं, सबका एक अपना अनोखा अनुभव होता है। ये मंच, ये कार्यक्रम सिर्फ अनुभूतियों का है, गुरुदेव के बारे में वर्णन का है, गुरुदेव के बारे में चर्चा का है। इसमें किसी भी चीज और किसी भी प्रकार का कोई दर्शन इसमें हम लोग नहीं चर्चा करते, क्योंकि गुरु सियाग सिद्ध योग के माध्यम से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है तो आप मंच को पर साझा कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में दिव्य लेखनी हम सुनेंगे और गुरुदेव के कर कमलों द्वारा लिखी हुई दिव्य लेखनी हम नियमित सुनते हैं। मैं विनोद जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी को आप पढ़कर सुनाए और हम लोग सभी लोगों को आनंदित करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर शुरू करता हूं। जी गुरु भाई जी। गुरु भाई जरा प्लीज बताइए, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी हो गई गुरु भाई जी। मैं शुरू करता हूँ जी। स्वागत। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पुनर्जन्म को प्रमाणित करना अति आवश्यक है। 5 जुलाई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। सनातन धर्म के सर्वोत्तम ग्रंथ गीता में भगवान ने पुनर्जन्म की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है, गीता 15:8, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वायु गंध के स्थान से जैसे गंध ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब तक हम गीता में वर्णित उपर्युक्त सच्चाई को संसार के सामने प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारी बात को क्यों सुनेगा, क्यों मानेगा? उपर्युक्त सच्चाई को संसार के सामने प्रमाणित करना अति आवश्यक कार्य है। थोथे नीति के विषय में उपदेश से अब काम नहीं चलेगा। भगवान की उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार जब तक मनुष्य अंतर्मुखी होकर जीवात्मा से संपर्क करने की स्थिति में नहीं पहुंचता है, इसका समाधान असंभव है। इस पथ में पहले स्थूल शरीर में स्थित
सूक्ष्म शरीर से साक्षात्कार करना पड़ेगा। इसके बाद सूक्ष्म शरीर को भेदकर कारण शरीर से साक्षात्कार करना होगा। फिर जो ही कारण शरीर का भेदन हुआ कि आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा प्रारंभ से लेकर सभी जन्मों का ज्ञान करवाने में सक्षम है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध को अनेक जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह तो हुआ बीते समय का ज्ञान, परंतु जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, वह अमर है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अतः संसार में आगे होने वाली बातों का भी ज्ञान होना संभव है। हमें वह शक्ति प्राप्त करनी है, अब वह समय दूर नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव स्वरूप को एक बार फिर से। अभी आपने गुरुदेव के कर कमलों द्वारा लिखी हुई दिव्य लेखनी का आनंद लिया आप लोगों ने। उसमें गुरुदेव ने पूर्व जन्म के बारे में लिखा है कि सबका पूर्व जन्म कहीं न कहीं से किसी ढंग की प्रकार से जुड़ा हुआ है, और किसी को नहीं मालूम कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, आप क्या थे। लेकिन गुरुदेव के सिद्ध योग में आप पूर्व जन्म को देख भी सुन सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये ऐसा योग है जो आपको पूरे ब्रह्मांड की सैर करवाता है, भूत भविष्य दिखाता है। और उसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि पूर्ण रोग मुक्ति पहली शर्त। अगर आपको समाधिष्ठ होना है, पूर्व जन्म के बारे में जानना है, अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है, गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि आपकी इच्छा की विपरीत कुछ नहीं होगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, बशर्ते उसके लिए आपको गुरु के श्री चरणों को सच्चे दिल से अंदर से झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। अंदर से झुकने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल खाली हो जाए, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए हमें प्रार्थना करनी होती है। गुरुदेव ने कई बार उदाहरण दिया, अपनी हर स्पीच में उन्होंने राजा जनक का प्रमाण दिया है। इसमें अहंकार आपको रखना ही नहीं है, कहीं भी किसी भी दिल के कोने में आपके मन के अंदर अगर अहंकार आता है तो आपकी आराधना में बाधा डालेगा। तो हम जितना खाली रहेंगे उतना हमें आनंद आएगा, उतना हम जल्दी प्रभु के निकट पहुंचने में सफल होंगे। और ये ऐसी आराधना जिसमें कुछ भी नहीं करना है, कर्म कांड तो इसमें है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तो अपने गुरु को एक अगरबत्ती की तीली भी नहीं लगाया, और हमारे प्रभु की अहेतु की कृपा से, गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जो मुझे मिला है वो आप सबको मिल सकता है, बशर्ते आप लोग झुक करके मांग लें। मैं तो इस दौलत को, इस खजाने को खुली हाथों से लुटाने आया हूँ। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली न जाए, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति धर्म का हो। इसमें जाति धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं, ये तो मनुष्य मात्र के विकास की बात करता है दर्शन। गुरुदेव बोलते हैं कि हिंदू के बारे में कि हिंदू धर्म परिवर्तन के बारे में विश्वास नहीं करता, हो तो मनुष्य मात्र के उत्थान की बात करता है। तो हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। अगर ओसी से कितना भाग्यशाली है जो अपने गुरु के समर्थ गुरु के सानिध्य में है, और इस कलयुग में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुदेव से आपके शिष्य हैं। और समर्थ गुरु का पाना सच में वो किस्मत की बात होती है। कई बार चर्चा होती है कि गुरु शिष्य को पकड़ता है, शिष्य गुरु को नहीं पकड़ता। कहीं न कहीं पूर्ण रूप से सत्य है कि सच में गुरु ही शिष्य को पकड़ सकता है, शिष्य के बस की का कुछ है ही नहीं। और गुरुदेव ने तो इतना साधारण सा मार्ग हमें बताया है कि बेटा आपको 15 मिनट का सुबह और 15 मिनट का शाम आपको ध्यान करना है, नाम जप करना है निरंतर तेल की धार की तरह। इसी से सब कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा।
मैं मंच पे उपस्थित बहुत सारे गुरु भाई बहन है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके जीवन में गुरुदेव सियाग के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार का बदलाव है, बदलाव हुआ है, ध्यान के दौरान कोई भी अनुभूतियां हुई हो, कृपया इस मंच की शोभा बढ़ाए और उसको साझा करें। कोई भी नए गुरु भाई बहन अगर मंच पे हैं तो स्वागत है आप सभी का। सिद्ध योग एक ऐसा योग जिसको अपनाने मात्र से ही हमारे और आपके जीवन में बदलाव आता है, और एक ऐसा बदलाव जिसमें न धन की जरूरत है न दौलत की जरूरत है, बस आपको अपने आप को समर्पित करना है गुरुदेव के श्री चरणों में। उसी समर्पण मात्र से ही हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि आपके पास कोई भी समस्या हो, इस नाम जप के आगे सारी समस्याएं फेल है। कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान नाम जप है। सिद्ध योग में एक ही बस हमें चीज मिलती है कि हमें बस नाम जप करना है, नाम जप करना है, सुबह शाम ध्यान करना है। उस ध्यान के दौरान होने वाली अनुभूतियां, अनुभव, यौगिक क्रियाओं से गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आपको यौगिक क्रिया हो रही है तो उससे आपके रोग मिटेंगे, और जिस दिन रोग मिट गया, कुंडली शक्ति आज्ञा चक्र से अगर ऊपर निकल गई, फिर तो आप समाधिष्ट हो जाओगे, फिर आप भूत भविष्य भी देख सकते हैं। तो मेरा स्वागत है, अनुरोध है आप सभी से, कृपया मंच की शोभा बढ़ाए क्रमशः। आपको जो भी कहना है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, प्रश्न है, किसी भी प्रकार का आपकी ध्यान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति अनुभव है, उसको आप जरूर शेयर करें। स्मृति जी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। विनोद पुरोहित जी ने भी हैंड रेज किया है। गुरु भाई जी, मैं स्मृति जी को ले लेते हैं, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। जय गुरुदेव। स्मृति गुरुभा, जय श्री गुरुदेव भैया, जय श्री गुरुदेव सबको। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था बस, कि जैसे मैंने एक एपिसोड देखा था कि मई में बनारस में, मतलब उस दिन ऋचा दीदी शायद होस्ट थी उसमें, तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने बनारस में बहुत जगह करवाया था गुरुदेव का, मतलब काशी विद्यापीठ जो हम लोग यूनिवर्सिटी उधर जी, हम भी साथ में थे मई महीने में जो प्रोग्राम हुआ था बनारस में, हम भी थे साथ में। हाँ, मैंने एक एपिसोड देखा था, तो भैया मैं वही जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने उसमें शायद बात की थी कि बेचू में भी कराने का, तो बेचू में क्या हो गया कि अभी कराना बाकी है? नहीं, जब तक तो हम लोग करवाए थे उस समय तक तो नहीं हुआ था, अब उसके बाद हुआ है तो मैं नहीं बता सकता। अगर कोई साधक बनारस से जुड़ा है या ऋचा बहन मंच पे जुड़ी है तो वही बता सकती है कि आगे बीएचयू में कार्यक्रम हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि मुझे वही जानना था, तो मैं चाह रही थी थोड़ा मेरे पेरेंट्स को थोड़ा मैं भेजती, मतलब क्योंकि बीएचयू मेरी यूनिवर्सिटी भी रही है थोड़ा। अच्छा, इस वजह से। क्योंकि क्या है ना, देखिए बीएचयू एक ऐसी संस्था है और बड़ी लंबी चौड़ी संस्था है जी। वहां पे कुछ उनका काम करने का जो सिस्टम है कुछ हट करके है। अब सब कुछ मिला करके इसमें क्या होता है गुरुबान, कि जब तक गुरुदेव की इच्छा नहीं होगी जी, हम कोई कार्यक्रम नहीं करवा पाएंगे। हाँ, वही मतलब काफी टाइम हो गया, तो मुझे लगा हो गया या होना बाकी है, तो थोड़ा सा पहले से पता चल जाता तो मैं भेज सकती थी। हम लोग साथ में जाते थे, बहुत सारे ऐसे पीआरओ से हमने संपर्क किया, वाइस चांसलर से संपर्क किया, जो भी मतलब उसको करवा सकते थे उनसे भी हमने संपर्क किया, इवन छात्र संघ के नेताओं से भी हमने संपर्क किया था, तो उनका कहना था कि तो बहुत अच्छी चीज है, हम जरूर करवाएंगे,
कहानी को तो सब कहते थे करवाएंगे, लेकिन अगला कोई नहीं बढ़ाता है। वही बात, हम गए किसी बीसी के पास, वाइस चांसलर के पास, वो बोल रहे हैं कि इस समय बच्चों की परीक्षा चल रही है, इसको हम जुलाई में करवाएंगे। क्योंकि हम मई में गए थे, तो मैं तो मई महीने तक पूरा वहीं पे था, जून में मैं वापस आ गया था। अब उसके बाद और जुलाई का डेवलपमेंट मुझे नहीं मालूम। फिर गुरु भाई मान वहां पे जाकर संपर्क आप लोगों ने किया कि नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक प्रकार से मुझे वहां पे लगा कि ये लोग टाल रहे हैं। अच्छा, जैसे काशी विद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यालय और विद्यापीठ, जी बिल्कुल। हमने फोन किया और फोन पे अपॉइंटमेंट मिला कि आप सुबह आइए कार्यक्रम करवाइए। वहां पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, बीएचयू को छोड़ करके बहुत सारे जगहों पर हमने कार्यक्रम किया है और हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है गुरुदेव के माध्यम से। अच्छा, बीएचयू का पता नहीं है, अगर पता नहीं चला अभी जब वहां से हम, मैं शिफ्ट हो गई, मेरी शादी हो गई थोड़ा, तो फिर मैं चाहती हूँ पेरेंट्स अगर वहां पे होता बीएचयू बोलूंगी तो वो जरूर जाएंगे। आप जैसे साधक, अगर पर्सनली जो वहां का छात्र कोई है वो एक्टिव होगा तभी वहां पे संभव होगा। हाँ ये तो है, लेकिन वही मेरा बैच थोड़ा पुराना अब हो गया है तो सब लोग हम लोग इधर उधर हो गए। राजनीति से प्रेरित संस्था एक वो, हाँ वो पूरा एक शहर है भैया, पूरा एक शहर है अलग यूनिवर्सिटी। जबकि हम 3-4 दिन गए थे वहां पर, 4 या 5 बार गए। जाने के बाद इतना वेलकम, इतना स्वागत करते थे लोग, चाय पानी पिलाते थे, नाश्ता भी कराते थे। वो कार्यक्रम के समय पता नहीं आना कहानी कर रहे थे। वो ये गुरुदेव नहीं अट्रैक्ट कर रहे होंगे उनको, वही बात होगी। तो हम किसी को अन्यथा तो नहीं कह सकते, जब तक वो गुरुदेव की इच्छा नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वही बात, मतलब वही, मतलब हुआ नहीं होगा अभी तक, मतलब वही मुझे जानना था बस, एक क्वेरी थी कल ही मैंने। हुआ होता तो जरूर हमें जानकारी होती व्हाट्सएप पे आता, क्योंकि हम जितने कार्यक्रम किए हमने सारा व्हाट्सएप पे डाला हुआ था उस समय। ठीक है, अगर बाय चांस भैया, अगर होता है बाय चांस तो आप कभी भी ये प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग जुड़ते हैं, आप एक बार बता जरूर दीजिएगा, अनाउंस कर दीजिएगा। मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है कि आपने हैंडरेज किया है, चलिए ठीक है, जिज्ञासा आपकी है कि बीएचयू में कोई कार्यक्रम हो तो बताया जाए। उससे पहले मैं आपके पर्सनल अनुभव के बारे में जानना चाहूंगा कि आप गुरुदेव सियाग से कब से जुड़ी हैं और उसका लाभ आपको क्या मिला है। कम से कम हमारे इस मंच पे पधारे हुए दर्शकों को उसकी आप जानकारी दें बहन। हाँ, तो मैं पहले बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। मैं तो अभी अगस्त क्या है मैं आपको बताऊं, गुरुदेव का आदेश है कि आप दुनिया को बताओ और गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव की स्पीच लगभग सिमिलर, सारी स्पीच एक जैसी है। हाँ जी बिल्कुल, एक एक वर्ड, कहीं बदलाव नहीं है। एक प्रकार से वो आदेश है हमारे लिए कि जो मैं कह रहा हूँ एक ही चीज बार बार, आपको अगर अनुभव होता तो आप भी बार बार बताओ। हाँ लेकिन वही है ना, बहुत से लोग उनके शरीर रूप पे चले जाते हैं, बस लोगों की भ्रम यही चीज है कि वो एक मानव शरीर है तो कैसे भगवान हो गए और कैसे बताएं। देखिए गुरुभान, मैं जिस बीमारी से निजात पाया हूँ मुझे तो पता है। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो दूसरे जन्म का आनंद ले रहा हूँ। सही बात है, अगर गुरुदेव नहीं होते तो मैं आज आपसे बात नहीं कर पाता। गुरुदेव ने तो मुझे डेडलाइन लिख कर देती, डॉक्टर ने मुझे डेडलाइन लिख कर दे दी थी कि 2006 और गुरुदेव के सानिध्य में जाने के बाद गुरुदेव बोले कि तुम बीमारी से नहीं मरेगा जी। आज भी उस डॉक्टर से मेरी कभी कभी मुलाकात होती है तो मुझे नीचे ऊपर देखते हैं। सही बात है, आपको देख के लगता ही नहीं कि आप कभी बीमार थे। नहीं, कोई नहीं कहता मुझे, तो लोग बोलते हैं कि झूठ बोलता है अपने आप को बस प्रचार करने के लिए। प्रचार करूंगा झूठ बोल करके तो मुझे तो पाप पड़ेगा, अपने गुरु का अनादर होगा। जी। गुरु
गुरु शिष्य परंपरा में झूठ तो इतना वर्जित है, झूठ तो इतना वर्जित है कि मतलब वो जहर के समान होता है। गुरु के कार्यक्रम में झूठ चलता ही नहीं, लेस मात्र। इसमें कहा गया है ना, गुरु संग छल मित्र संग चोरी, की हो निर्धन की हो कोड़ी। गुरुबन अपना अनुभव जरूर आप शेयर करें, उसका आनंद सारे लोग लेना चाहेंगे। प्रीति गुरुबन, आवाज मेरी आ रही है अब तक? जय गुरुदेव। स्मृति बहन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही। हाँ, वो नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। जी जी, आप बताएं। हाँ, मैं अगस्त 2022 में ही जुड़ी हूँ गुरुदेव से। मतलब मेरे जिज्ञासा ईश्वर को ही जानने की थी। मुझे बहुत ज्यादा 1.5 साल से मतलब ऐसा था कि मुझे गुरु कोई ऐसा चाहिए जो कि मुझे हाथ पकड़ के मतलब एकदम उस जगह पे ले जाए जहाँ पे लोग जाते हैं। मतलब सब तो नहीं जा पाता, पता नहीं, वो तो गुरु जाने। लेकिन एक जिज्ञासा वश मैं जुड़ी थी गुरुदेव से, क्योंकि मैं हर जगह माथा मार रही थी कहीं गुरु मिल जाए। सब जगह गई इधर उधर, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कहीं भी। लेकिन जब गुरुदेव से मिली, फिर उनका मंत्र, शुरू में मुझे थोड़ा डर हो गया था सबका, वो सब योगा एक्सरसाइज देख के। तो मैंने कुछ दिन किया, फिर मैंने डर के मारे छोड़ दिया था उस चीज को। मुझे लगा, एक तो मैंने घर में किसी को बोला नहीं, तो मुझे लगा बाई चांस कुछ, अगर बाई चांस कोई नेगेटिव चीज हुई तो फिर घर वाले तो मुझे ही बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा कभी देखा सुना नहीं था ना भैया, इस वजह से कभी वो नहीं हुआ। हाँ, तो मैं दुर्गा कवच पढ़ती थी, तो मैं दुर्गा कवच चला के फिर गुरुदेव का मंत्र चलाती थी। ये एक थोड़ा सा मुझे हंसी आती है मैं सोचती हूँ तो। लेकिन फिर कुछ दिन मैंने छोड़ दिया, फिर मैं वही बनारस गई थी जुलाई अगस्त में। लेकिन जब वहां से आई तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं वापस से गुरुदेव का मंत्र सुनी, वापस से जुड़ी। फिर एक गुरु भाई थे, उन्होंने मुझे बहुत डिटेल बताया, उनका एक चैनल भी है, उसके थ्रू मुझे पता चला। उन्होंने मुझे काफी, मेरा एक दो क्वेरी सब शांत किया, तो उन्होंने बोला आप करिए, बस स्टार्ट करिए। तो फिर मैंने गुरुदेव का बहुत सारा स्पीच वगैरह सुना, तो मुझे लगा नहीं, मेरा अट्रैक्शन मेरा गुरुदेव को देख के पहली बार से ही था। मतलब मुझे सही बात, मुझे बहुत प्यारे लगते थे, उनको देखना मुझे बड़ा पसंद था। लेकिन जो एक्सरसाइज और लोगों का ऐसे चिल्लाना ये सब देख के ना, वो घबराहट से आ गई थी थोड़ा सा। तो वही था, फिर मैं की और बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब बहुत सुकून है मुझे, मुझे अब कहीं तलाश नहीं है किसी की। भगवान नहीं, भगवान के दर्शन भी कराए हैं छोटे छोटे, मुझे बालकृष्ण के भी दर्शन कराए हैं, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी पहले। तो मुझे था कि आप कौन है मुझे बताइए। तो मैं इनको हटाऊं क्या करूं, मुझे वो था। तो फिर उन्होंने मुझे दर्शन कराए, फिर थर्ड आई का भी दर्शन हुआ है मुझे। मुझे पहले तो डाउट होता था कि ये सब चीजें वाकई होती है नहीं होती है, लेकिन एक बार नहीं तीन बार दिखा मुझे नवरात्रि। नवरात्रि में एक दिन बहुत सुंदर सी घर में खुशबू आने लगी अचानक से, एकदम चंदन जैसी खुशबू। मैं ऐसी सब्जी काट रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तुमको आ रही है? तो वो आए तो बोले मुझे भी आ रही है। और घर में कुछ ऐसा था नहीं कि वो इतनी सुंदर खुशबू आ कहां से रही है। तो ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव बहुत सर्वे। मेरे क्या था, मेरे कमर में बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस रहता था, बहुत ज्यादा ही पेन रहता है। कुछ भी काम मैं नहीं कर पाती हूँ ठीक से, मतलब झुकना में नहीं हो पाता, झुक जाओ तो फिर उठने में दिक्कत होती है। जबकि अभी इतनी एज भी नहीं है, फिर भी पता नहीं कहाँ से मतलब ऐसा प्रॉब्लम आ गई। लेकिन गुरुदेव का मंत्र किया, उसके बाद से योगी एक्सरसाइज होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन हाँ ये कि एकदम पीछे चली जाती हूँ, लेट जाती हूँ, उसी में पूरी हड्डियां आराम से एकदम सब आवाज करती है, जैसे लगता है कि कोई सेट कर रहा है क्या कर रहा है। तो और आगे झुक जाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत गर्दन का मूवमेंट होता है, मतलब ऐसे करके मुझे इतना रिलैक्स है कि अब मैं आराम से झुक सकती हूँ, कर सकती हूँ। अब मैं ये सब चीजें बताती हूँ लोगों को,
लेकिन अब जब तक करोगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि आनंद क्या है इस चीज का। तो आनंद लेने के लिए तो भाई करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने घर में बताया, मेरी मम्मी को भी हुआ, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वो बहुत, उनको भी स्ट्रेस वगैरह है, बीपी वगैरह का भी है, लेकिन अभी शायद बीपी की वैसे वो थोड़ा मेडिसिन ले रही हैं, बट अभी वो कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन उनके साथ ये अनुभव हुआ कि उनको जैसे लगा कि नीचे से ऊपर एकदम करंट सब गया, एकदम मतलब टेल बोन से लेके पूरा उनके माइंड तक, मतलब जैसे हेड होते ना, व्यक्ति जागृत तो महसूस होता है। हाँ, तो उनके साथ ये हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो करती है मतलब। लेकिन देवी देवता अभी रखी हुई है, लेकिन मंत्र गुरुदेव का ही करती है, वो धीरे धीरे हट जाएगा। हमके करती रहो वो हट जाएगा। तो कहती नहीं 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 हटेगा हमके, तुम देख लेना। गुरुदेव ने कभी, गुरु बहन ये नहीं कहा कि आप, गुरुदेव ने तो कभी मना नहीं किया कि आप मंदिर मत जाओ। हाँ, कि आप मंदिर जाओ, जाओ, लेकिन नाम जपो मेरा। हाँ, ऐसी मैं दिवाली में एक बार मंदिर चली गई थी मेरे हस्बैंड के साथ, माँ काली की मूर्ति सामने थी, लेकिन मैंने आंख बंद किया तो मुझे कृष्ण दिख रहे थे। मुझे माँ काली नहीं दिख रही थी। ये चीजें हुई थी, यही होता जब दिव्य रूपांतरण होता है तो। हाँ, एक बार सपने मुझे गुरुदेव दिखाई भी दिए थे स्पीच देते हुए, मतलब थोड़ा सा तदरा जैसा लगा था क्या था, लेकिन उसमें स्पीच दे रहे थे। और दादा गुरुदेव भी मुझे दिखे हैं ऐसे, वो भी दिखे है सब लोग, मतलब एक एक बार सबका दर्शन हुआ है। तो उसके बाद जो तो और एक विश्वास मतलब बढ़ जाता है, और शांति तो बहुत ज्यादा है अंदर से, बहुत सुकून लगता है। अब कोई क्या बोलता है क्या करता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरी अपनी दुनिया मेरे गुरुदेव के साथ है। वही है ना, वृत्ति बदल जाती है ना, जब वृत्ति बदल जाती है तो फिर उस शरीर पे कुछ असर नहीं होता। हाँ, कभी कभी किसी किसी पे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसे कभी कभी मैं बोल देती हूँ, लेकिन फिर लगता है कि गुरुदेव ही बोले होंगे, उनकी इच्छा होगी किसी को डांट लगाने की लगा दिए। तो यही। और फिर एक दिन सपने में मैंने देखा कि, अभी मतलब कुछ दिन पहले का ही सपना है, कि मैंने देखा सपना था वो सुबह का ही, तो मैंने देखा मैं गुरुदेव को ऐसे हाथ पकड़ के ले जा रही हूँ स्टेज पे जब उनका स्पीच का टाइम है, और वो मुझे मंत्र का बीच वाला जो पार्ट है ना, जो शब्द है भगवान का नाम, वो थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो मुझे बोल के बताए कि ऐसे बोलो इसको। मुझे इतना सही सपना याद रहा, बाकी मैं भूल गई आगे पीछे का। मतलब बहुत सारे गुरु भाई बहन दिख रहे थे, लेकिन मैं किसी को जानती नहीं हूँ। मतलब ये दिखा था उन्होंने, वो चीज बोल के बताया था कि इसको ऐसे बोलो। तो यही है बस, बहुत अच्छा चल रहा है। और हाँ, मेरी जो नंद है, उनका छोटा बेटा है 3 साल का, वो तो फर्स्ट डे से ही गुरुजी से ऐसे जुड़ गया कि मुझे ये व्हाइट कपड़े वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद तो उसको गुरुदेव आके उसको बताए कि तुम ओम ओम जपो, तो वो क्या बोलता है, मम्मा मुझे गुरुदेव ने बोला कि ओम ओम जपने को, वो ओम ओम जपता ही रहता है, और 3 साल का है, रात में 2 बजे उठ के ओम ओम जपता रहता है। और बोलता है माँ, हाँ गुरुदेव ना यहाँ सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आके आप बेड पे सोइए मेरे साथ, तो गुरुदेव बोलते हैं नहीं बेटा मैं ये सही सोता हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीजें वो बताता रहता है। और एक दिन बोला दिवाली में कुछ दिन क्या हुआ, सो गुरुदेव नहीं दिखते थे, तो बोलता है कि गुरुदेव ना मम्मा लग रहा सो गए हैं, वो मेरी बात आजकल नहीं सुनते हैं, तो दिवाली के दिन शायद वो ध्यान लगाया होगा, पता नहीं वो ध्यान कैसे लगाते हैं हम लोगों को नहीं पता, 3 साल का है। तो बोला कि गुरुदेव ना बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े, और वो भी मेरी तरह ध्यान लगाते हैं, मतलब उसको ऐसे। और अभी 2-4 दिन पहले तो उसको दादा गुरुदेव दिखे, उसको नहीं पता था कि वो दादा गुरुदेव, वो ये बोला कि एक लाल कपड़े में आते हैं दाढ़ी वाले, वो पता नहीं मुझे क्या क्या सिखाते हैं, मुझे बाकी तो समझ नहीं आता, मुझे बस इतना समझ में आता है कि वो बोलते हैं कि मैं टीचर हूँ सबको सिखाता हूँ, ऐसे करके, मतलब मैं टीचर हूँ सबको सिखाता हूँ। तो फिर जब फोटो देखा तब बोला कि अरे यही तो थे जो मुझे दिखते हैं। और दोनों को लेके साथ में सोता है वो। हाँ बाबा, कितना प्रेम होगा सोचिए। हाँ, जबकि सबको इतना आश्चर्य होता है कि ये बाकी सच बताता है कि अपने से बनाता है, हम के अपने से कितना कोई बच्चा बनाएगा, वो थोड़ी कोई वीडियो देख रहा है किसी का सुन रहा है। गुरुबान इनोसेंट होता है बच्चा एकदम। वो तो पूरा स्कूल से आता है, पहले गुरुदेव के सामने प्रसाद रहता है, बोल के उठा के खाता है, मैं उठा लूं गुरुदेव, खा लेता है, बस उठा लूं खा लेगा, उनको टीका लगाता है, बहुत प्यार है उनसे उसको। वही गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं तो भाव का भूखा हूँ, गुरु तो सद्भाव का भूखा होता है। वही, इसलिए सब अच्छा चल रहा है, बस गुरुदेव की कृपा बची रहे, कुछ भी लेना देना नहीं जी।
ठीक है गुरु भाई, जय जय श्री गुरु। बड़ा अच्छा लगा आपकी अनुभूतियां, और बस खास करके आपके परिवार में उस बच्चे का, कि मतलब गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा है, 3 साल का बच्चा है और उसको सारा कुछ अनुभव करवा रहे हैं, ध्यान भी नहीं करवाते, नाम भी दूसरा दिया, तो ये जपना है। वो भी दूसरे ही दिन आके उसको बताए कि तुम ये जपो, और उसके हाथ पे किस भी किए थे, बीच में उसको फीवर भी आ गया था, तो रात में उठ के बोलता था हाथ जोड़ के, गुरुदेव प्लीज आप मुझे ठीक कर देना, प्रे करके भी सो जाता था। नहीं कभी कंप्लेन नहीं किया गुरुदेव से, कभी कंप्लेन नहीं किया बच्चा। कंप्लेन क्या, गुरुदेव इतने दयालु इतने कृपालु है, इतने मतलब सरल है, जिसको हम सरल ही कह सकते हैं, कि बस वो एक बार समझ में आ गया गुरुबान, तो फिर तो हमारी काया कल्प हो जाती है और हम ये कहते हैं कि सच में हम किस्मत वाले हैं। बोलता है कि अपनी मम्मी को कल परसों बोला था कि मम्मी हम और तुम चलेंगे सबको छोड़ छाड़ के गुरुदेव के पास मिलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, यही उसका डायलॉग था। पता नहीं किसको छोड़ छाड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना और मम्मी को लेके जाएगा। अच्छा। दीदी को भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, उनके भी बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है, उनको भी जोड़िए गुरबान मन से, और बच्चे को जो बच्चों का कार्यक्रम आता है ना, बच्चों का कार्यक्रम जो आता है संडे को, उसमें जरूर बच्चे को जोड़िए, क्योंकि उस बच्चे की और जिज्ञासा बढ़ेगी जब दूसरे बच्चों को देखेगा गुरुदेव के बारे में बताते हुए। जी बोला है मैंने, ये संडे को कार्यक्रम होता, आज भी हुआ था, हर संडे को 9 बजे से 10 बजे तक चलता है वो कार्यक्रम। जी बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं, जैसे अभी मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ, ये लोग गया में होता है ना वो पिंड दान, वहाँ हमारी क्या होंगे दादी सास होंगी, दादी सास और दादा ससुर का पिंड दान करने, वहां पे ये लोग जब पुण्यदान कर लिए, मेरे हस्बैंड के तो दूसरे गुरु बनाए हुए हैं, तो अभी वो गुरुदेव के पास नहीं आते, हमके आना तो तुमको पड़ेगा ही। अभी कर लो, और मेरे देवर करते हैं मेरे देवर करते हैं, तो उनको क्या हुआ कि वो जब पिंडदान हो गया दिन भर में, फिर जहां बोले रुके हुए थे, तो रात शाम को वो जैसे ध्यान करते अपना ध्यान किए होंगे, तो वो बोलते हैं कि वो जिस अगले कमरे में ध्यान कर रहे थे, मेरे हस्बैंड इस कमरे में बैठे थे, मतलब 2 अलग अलग कमरे थे, तो उनको ध्यान में दिखता है कि गुरुदेव साक्षात आके बैठे हैं, जबकि मेरे देवर ने उनको पूरा उस तरह से नहीं देखा, बस फेस देखा है जितना फोटो मैंने उनको भेजा था, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो डॉक्टर है तो अपना बिजी रहते हैं उसी में, तो उनको दिखा कि एक व्हाइट कुर्ते पजामे में आके बैठे हैं, बुजुर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये चीज मेरे हस्बैंड को फील हुई कि मेरे पास कोई पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेज से आई है, मेरे हस्बैंड को दिखे नहीं बट उनको वो एनर्जी फील हुई, और तब से वो ध्यान करके आके बताते हैं कि गुरुजी यहाँ पे आए थे। मतलब उस दिन हम गए, अब तो मुक्ति हो ही गई पूरी। हाँ नहीं वो क्या है ना, वो गुरुदेव की, वही मैं बोल रहा था ना कि गुरु ही शिष्य को पकड़ता है, शिष्य के बस में कहाँ आए कि गुरु को पकड़ ले। मेरे हस्बैंड थोड़ा डरते हैं, मुझे लगता है गुरु दूसरे हैं, तो हमके धीरे धीरे वो मेरे गुरु जो है ना ये हमारे गुरु हैं, तो ये अपडेटेड वर्जन है सारे गुरु के। मैंने किसी में सुना था ये चीज, गुरु साक्षात ईश्वर रूप है ना हमारे गुरुदेव, तो कल की अवतार हैं जी, खुश है, नर के रूप में नारायण है, इतना इम्पैक्ट। बिल्कुल प्रवीण गुरु भाई जी ने भी हैंड रेज किया था, विनोद जी गुरु भाई अपना अपनी बात रखेंगे, कृपया रखिए, फिर प्रवीण जी को लेते हैं। विनोद जी गुरु भाई, विनोद पुरे जी गुरु भाई आपका स्वागत है, अगर आवाज मेरी पहुंच रही है अब तक तो। प्रवीण जी गुरु भाई आपका स्वागत है, पहले आप बोल लीजिए। जय गुरुदेव प्रवीण जी गुरु भाई। जय गुरुदेव पीके सिंह भाई, मैं तो स्मृति बहन को सुन रहा था, बड़ी अद्भुत अनुभूतियां हैं स्मृति बहन की, जी जी बहुत मजा आ गया, रोमांचित कर दिया स्मृति बहन ने तो सच में, और जो छोटे बच्चे की अनुभूति सुनी तो वास्तव में वो कई बच्चों से सुन चुके हैं, ऐसे गुरुदेव करते हैं, साथ खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं बच्चों को, आप जो सुबह प्रोग्राम में बच्चों का कंडक्ट करते हैं संडे को, उसमें सारे कितने बच्चों की अनुभूतियां आती हैं, बहुत बहुत बहुत। तो स्मृति बहन तो बहुत मतलब बहुत ही भाग्यशाली है, इतनी जल्दी कब से दीक्षित हुई स्मृति बहन, कितने दिन से, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस से भैया, मैं बनारस से ही बिलोंग करती हूँ। स्मृति बहन बहुत भाग्यशाली, आपके पुण्य कर्म है कई जन्मों के ना, इतनी जल्दी आपको गुरुदेव भगवान ने देखो क्या क्या अनुभूतियां करवाई,
वास्तव में मजा आ गया आपकी अनुभूतियां सुन के, बहुत ही रोमांचित कर दिया स्मृति बहन आपकी अनुभूतियों ने। गुरुदेव जी, मैं स्मृति बहन को बता रहा हूँ कि मैं भी बनारस से ही हूँ। जी जी हाँ भैया, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन किया ना मैंने देखा था एक एपिसोड आपने बताया था। जी प्रवीण जी, गुरु भाई आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ स्मृति बहन, आप तो डेली जुड़िए और बताइए अच्छी अच्छी बातें नए साधकों को, बड़ा मतलब एक उनका एक विश्वास बढ़ता है कि हाँ ये सब में परिवर्तन इतना आ रहा है तो हमारे अंदर भी आएगा। किसी को थोड़ी सी अनुभूतियां डिले हो जाती हैं, किसी को सब कर्मानुसार है, किसी के हाथ में नहीं। गुरुदेव का और साधक का कॉन्टेक्ट है बस, और तीसरा पर्सन तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। सभी वही उसी यात्रा पे हैं और सबको अपने पूर्वार्ध कर्म के अनुसार ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। आपके अपने कर्म है जो इतने जल्दी, कर्मा थ्योरी हमेशा से रही है, सभी रिलीजन मानते हैं। और स्मृति बहन आपके अपने अच्छे सौभाग्य है आपका, गुरुदेव भगवान ने इतनी सारी अनुभूतियां, इतना सारे दर्शन हुए आपको भगवान के। जी जय गुरुदेव पीके सिंह भाई साहब, जय गुरुदेव स्मृति बहन। गुरु भाई जी, जैसा कि अभी स्मृति गुरु बहन ने बोला था कि बीच वाला जो भगवान का नाम है उसको जपने में बहुत दिक्कत होती है। शुरू शुरू में जब मुझे मंत्र मिला था तो गुरु बहन मेरा भी यही हाल था, मुझे मंत्र जपने में इतनी दिक्कत होती थी कि मैं तो सोच लिया था कि नहीं अभी चलिए ठीक है, गुरुपूर्वा पे गुरुदेव ने दिया है, जन्मदिन पे जाऊंगा तो गुरुदेव से दूसरा मंत्र लूंगा जो जपने में बहुत सरल हो। जब जन्मदिन पे गया तो फिर वही मंत्र, तो बोला वो लग रहा है गुरुदेव का एक ही मंत्र है जो इससे गुरुदेव सबको देते हैं। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे मंत्र जपने में तो काफी दिक्कत हो रही है, इसका कोई दूसरा रूप। मेरी प्रार्थना गुरुदेव ने स्वीकार की और फिर उसको नाद में बदलाया गुरुदेव। अब नाद भी चल रहा है, नाम जप भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ, तो सब जीवन का आनंद आ रहा ले रहे हैं, दूसरे जन्म का आनंद ले रहे हैं। अच्छा भैया, नाद ऐसा हो सकता है क्या कि कभी अचानक से जैसे कुछ वीणा सुनाई दे फिर वो बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? होता है ऐसा, बस एक ही बार हुआ तो मुझे लगा शायद मेरा इल्यूजन होगा मे बी। नहीं तो नाद नहीं, नाद एक बार अगर चालू हो जाता तो फिर वो बंद नहीं होता। हाँ तो वो कुछ और ही होगा, ऐसे ही लगा होगा। देखिए इसमें सिद्ध योग में गुरबान कुछ भी हो सकता है, ये सब अंदर की आराधना, अंदर से आपको क्या महसूस होता है उसका बस आनंद लीजिए बस। गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तो दोनों हाथों से लुटाने आया हूं, लूट लो, मुझे तो ऐसे है चूंकि कृपा हुई है, मुझे तो गंगाई नाथ जी ने विशेष कृपा की है और गंगाई नाथ महाराज ने भी वही मंत्र दिया था गुरुदेव को जो गुरुदेव आज सबको देते हैं। और हजारों लाखों ऋषि मुनियों की एक कमाई है इस मंत्र में, ये अनादि काल से मंत्र चला आ रहा है। जी मंत्र में तो बहुत शक्ति है, प्रकट हुआ है कि ये मंत्र दिव्य मंत्र है जो संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि दो मंत्र हैं, महर्षि ऋषि ने बोला था कि इस देश का कल्याण दो मंत्र करेंगे, पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया था, वो हिला दिया था अंग्रेजों की सत्ता को, और दूसरा वो जो मंत्र है बहुत सीक्रेट है वो अभी प्रकट नहीं हुआ है, यही दूसरा मंत्र है। गुरु भाई महर्षि अरविंद जी ने कहा था, महर्षि अरविंद ने कहा था कि मतलब इस देश का कल्याण दो मंत्र करेंगे, वंदे मातरम नाम से अखबार भी छपा था जी। तो कहने का मतलब यही है कि इस दी मंत्र जो भी गुरुदेव स्याग के सिद्ध योग से जुड़ जाए, मैं तो कहता हूँ कि उसकी किस्मत सबसे बढ़िया है, क्या कर सकते हैं। कभी सब कुछ सोच भी नहीं पाते कि क्या बोलें, कितनी तारीफ करें, कितना गुणगान करें।
सही बात है। मेन हम लोग अपने गुरु के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, मेन तो ये लगता है, वो इतनी बड़ी चीज हम लोग को दिए, मैं तो बस यही। अरे गुरुदेव ने कुछ मांगा ही नहीं अपने लिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मांगा है गुरुदेव ने, कभी कुछ नहीं मांगा गुरुपाल, कभी नहीं जी। मैं तो कई बार गुरुदेव से मिला हूँ, उनका फेस ही मतलब इतना ज्यादा दयालु फेस है ना कि मतलब मुझे तो कभी किसी के फेस में वो चीज नहीं दिखती जो उनके फेस में दिखती है। कुछ मांगा ही नहीं, हम तो हम ही मांगते हैं उनसे, बहुत कुछ मांगते हैं हम तो प्रार्थना में। पता नहीं शायद जो हमारे कर्म वैसे नहीं होंगे फिर भी वो दे देते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, शायद हम उस काबिल भी थे कि नहीं। कुर्बान मुझे दूसरा जन्म दिया है, मेरे लिए तो सच में वो ईश्वरी है ना जी। गुरुदेव ने तो डॉक्टर ने तो मुझे डेडलाइन दे दी थी कि आप 2006 क्रॉस नहीं कर पाओगे, और गुरुदेव के सानिध्य में जाने पर आप लोगों सामने आज भी बैठ करके मैं बातें कर रहा हूँ, 2005 की बात है, 2022 चल रहा है जी। वही मेरे सिस्टर इन लॉ को भी वही, इनको सिस्ट का ही प्रॉब्लम है, तो वही मैंने उनको इसलिए बताया था उस टाइम, मतलब मैंने क्या बताया था, मतलब गुरुदेव ने बताया होगा, बस मैंने वही कहा जपती रहिए आप, सही हो जाएगा, वो बहुत इधर उधर जा चुकी है मतलब उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए। थोड़ा सा नाम जप को बड़ा सीरियस लेना पड़ता है, बहुत सीरियस लेना पड़ता है। जब लाइट लेते हैं ना तो थोड़ा सा हमें परिणाम में समय लगता है, और जब सीरियस होते हैं वो परिणाम बहुत जल्दी मिलता है जी। बस मेरे फादर नहीं छोड़ते उनको थोड़ा सा इसलिए जो बेच में होगा तो मैं भेजूंगी उन दोनों लोग को। सारा कुछ प्रारब्ध से जुड़ा है बहन, सारा कुछ इसमें प्रारब्ध से है। इस मंच पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि पूर्व जन्म के बारे में किसको मालूम, पूर्व जन्म क्या है, हमें भी कभी कभी सोचते हैं कि पूर्व जन्म से हमें क्या लेना देना, लेकिन मैं पूर्व जन्म के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जिस परिवार का बैकग्राउंड बड़ा खराब है, हमें ही क्यों उस परिवार में पैदा होना पड़ा, हम तो राजा महाराजा के घर में पैदा हो सकते थे, तो ये पूर्व जन्म ही हमारे कर्म ही है कि हम उस परिवार में पैदा हुए। भगवान को हमें दूसरी जगह भेजने में कितना देर का काम है, तो हमारे कर्म कहीं ना कहीं है, हमारे माता पिता के रूप में वो हमें उसको काटना ही काटना है, और काटने का साधारण सा तरीका, सरल तरीका गुरुदेव के माध्यम से मिल गया है कि भाई आपकी कोई भी कर्म हो आप सीधे योग अपनाओ वो सारे कट जाएंगे। इवन कई लोग जो फैमिली में गुजर चुके हैं वो लोग भी पता नहीं कि वो आजकल दिखते हैं, मतलब क्योंकि मेरे घर में मेरे गुरुदेव की फोटो है बहुत सारी, वो लोग घर में आते हैं, मतलब ये चीजें हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा कई बार डर भी लग जाता है, फिर लगता है चलो गुरुदेव देख लेंगे। नहीं नहीं सबका स्वागत है देखिए वो जो हमारे यहाँ पितृ विसर्जन का कार्यक्रम होता है 15 दिन के लिए, हमारे सारे पितृ जो आते हैं क्यों आते हैं, सेवा के लिए तो आते हैं, हम उनको सुबह शाम खाना निकालते हैं, हमसे क्या लेने आते, कुछ नहीं, अपनी सेवा करवाने आते हैं कि मुक्ति तो उनको भी चाहिए, मुक्त हो जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे। बिल्कुल, उसके लिए भी शायद कहा गया है कि उनका पिंडदान जाकर के आप गया में कर दीजिए वो हाँ। मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इतना थॉट भी नहीं जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, और तो लगता है शायद मुक्ति के लिए इधर आ रहे हैं, मेरे गुरुदेव हैं यहाँ पे। आ रहे हैं तो बस उनको बोल दीजिए कि आप भी इस मंत्र को जपिए, बस रूपांतरण हो जाएगा। हमें देखिए कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से गुरुदेव का एक संदेश है जो सबको एक ही चीज गुरुदेव बांट रहे हैं कि आपको इस नाम को जपना है, इस नाम रूपी चाबी से ही सारी समस्याओं का समाधान, सारे ताले खुलने वाले जी। कोई ऐसी समस्या नहीं जो गुरुदेव सियाग सिद्धियों के माध्यम से पूर्ण न हो, संपन्न न हो। अच्छा जैसे एनिमल्स को भी सुना सकते हैं, जैसे गाय वगैरह को? बिल्कुल, क्योंकि एक बार सुनाया था ना वो गाय प्रेग्नेंट थी, हम लोग घर आई थी,
उसके पास तो वो इतना प्यार से आती है ना जी, जाती नहीं है मतलब, जबकि वो हमारी कोई ऐसी गाय नहीं है, पता नहीं कहाँ से है, लेकिन वो आती जरूर है। बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है कि बीमार पशु ठीक हो गए मंत्र सुनाने के बाद जी। कुर्बान, ये सब विश्वास का खेल है। अगर आपको अपने गुरु पे अटल विश्वास है तो गुरु आपके साथ है और गुरु आपको आपको सुनता है, मानता है। बिल्कुल विश्वास, मेरा कितनी बार सरदर्द गुरुदेव ने ठीक कर दिया, मेरा फीवर ठीक कर दिया। मैं तो पूरा मानती हूँ उनको, मानने से भी ज्यादा मानती हूँ। वही है, अगर आपको अपने गुरु पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि नहीं गुरु ये कर, मैं हमारे गुरुदेव के माध्यम से कार्य संपन्न होगा, 100% संपन्न होता है। मेरे हस्बैंड को भी वो ध्यान में दिखे थे, लेकिन मुझे दिखते नहीं डायरेक्टली जी। बात मेरे हस्बैंड को भी मतलब ध्यान में दिखते, तो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, लेकिन उनको दिखे थे गुरुदेव, लेकिन मुझे डायरेक्टली नहीं दिखते, मुझे सपने में ऐसे ही दिखे। नहीं मतलब आपके पतिदेव को गुरुदेव ने दर्शन दिया है, क्यों? हाँ, दिया दे दिया है। शायद वो दीक्षित भी नहीं है और मंत्र भी नहीं जपते। नहीं, वो दूसरे गुरु का मंत्र जपते हैं। हाँ, दूसरे गुरु का मंत्र जपते हैं, गुरुदेव का मंत्र नहीं जपते। उसके बाद भी गुरुदेव ने दर्शन दिया, तो सोच लीजिए गुरुदेव कितने पावरफुल है, कितने शक्तिशाली। भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त हो, बाबा गंगेनाथ तो साक्षात भोलेनाथ ही है। वही है, देखिए गुरुदेव का बाबा ही ले आ पाएंगे, मैं तो गंगेनाथ बाबा को ही बोलती हूँ, आप ही लाएंगे। बदल जाएंगे ना वो। क्या होता है ना कि एक इसको उदाहरण के रूप में आप जैसे एक बाल्टी में कीचड़ है, आप उसमें शुद्ध जल डालते जाइए, शुद्ध जल डालते जाइए, एक दिन ऐसा होगा कि उस बाल्टी का जितना भी कीचड़ है बाहर निकल जाएगा, सिर्फ शुद्ध जल ही रह जाएगा जी। तो मैं कीचड़ तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्या है कि वो जुड़े हैं किसी और को मान रहे हैं, तो एक समर्थ शक्ति जो है पावर उनके टच में है। हाँ। गुरुदेव बोलते हैं ना कि हमारे अंदर रावण, राम और रावण दोनों हैं, और रावण का काम है मारना, राम का काम है बचाना। अगर किसी प्रकार से राम को एक्टिव कर दिया जाए तो जी, तो फिर तो रावण को जाना ही पड़ेगा, फिर दूसरे गुरु को तो जाना पड़ेगा, फिर हमारे गुरुदेव का प्रवेश हो जाएगा। वही हम भी बोलते कि तुम उनका करते रहो, लेकिन वही है कि फिर देखिए अब गुरुदेव ही है। एक से दो बार ही बोल सकते हैं ना, ज्यादा गुरुदेव ही बोलते हैं, नहीं बोलना। गुरुदेव के हवाले छोड़ दीजिए। हाँ, राजेश्वरी गुरुबहन ने एनरिच किया है। स्मृति बहन आप बनी रहे, राजेश्वरी गुरुबहन आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव बहन। गुरु भाई, मैं कल मेरे साथ कुछ अजीब अनुभूति हुई थी रात में। बताएं बताएं, बताना चाहती हूँ। सुना तो कैमरा भी ऑन कर लें, क्योंकि ये कार्यक्रम यूट्यूब पे जाता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया सभी। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। रात में मतलब ये सेशन खत्म होने के बाद, जब मैंने कल अपनी अनुभूति बताई थी, तो सेशन खत्म होने के बाद मैंने डिनर, मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे, तो मैं और मेरी लड़की डिनर करके मैं हम लोग बैठे थे, तो फिर मैंने, मेरी लड़की सो गई और मैं ना गुरु, मतलब जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं गुरुदेव की स्पीच सुनती हूँ यूट्यूब में, तो मैंने यूट्यूब में एक स्पीच ऑन की रख के मैं सुनने लगी, फिर मुझे थोड़ी देर में नींद आ गई, तो मैंने क्या किया, वो स्पीच बंद कर दिया, बंद करके मैं सो गई। 15-20 मिनट के बाद पता नहीं स्पीच अपने आप ऑन हो गई फिर से यूट्यूब। मैं परेशान, मतलब अपने आप ऑन हो गई, मैं मोबाइल लेके चेक करती हूँ कि मैंने स्पीच ऑफ किया या नहीं, पर मैंने यूट्यूब का हर एक, मैंने जो भी था सब ऑफ करके मैंने सो गई थी, और फिर ऑन हो गया, वो अपने आप ऑन हो गया। मैं परेशान हो गई, स्पीच ऑन हो गया, मैंने चेक किया, मैंने तो ऑफ किया था, ये क्या स्पीच ऑन हो गया। फिर मैंने स्विच ऑफ किया मोबाइल, स्विच ऑफ करके मैंने फिर से ऑन किया, तो फिर से स्पीच अपने आप चल रही है, वो बंद ही नहीं हो रही है। तो मतलब 2 मिनट के मैं घबरा गई, ये क्या हो रहा है, स्पीच बंद नहीं हो रही है। तो मैंने क्या किया, फिर 2 मिनट में रुकी, मैंने फिर से मोबाइल ऑफ किया, और फिर
मैंने फिर से ऑन किया तो जब स्पीच ऑफ हो गया, और मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ घर पे कुछ एक एनर्जी, मतलब पास में कोई है, तो मैं 2 मिनट के लिए डर गई। मैंने कहा मैं क्यों डर रही, शायद ये गुरुदेव ही होंगे, अगर गुरुदेव हो तो डरने की क्या बात है। और मैंने मतलब फिर से मैंने मोबाइल ऑफ करके मैं सो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे नींद में भी अपने आप योगी क्रिया होने लगती है, जब मैं नाम जप लगातार करती रहती हूँ तो वो अपने आप नींद में मैं योगी क्रिया करती हूँ, और कभी कभी मेरा नींद में मैं देखती हूँ कि मैं नींद में फिर से ध्यान कर रही हूँ, फिर से। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि मतलब मैं ना भूल जाती हूँ, तो मुझे मतलब, और मैं मतलब वो दिन में कभी अगर मैं लड़की के साथ सो गई दिन में, तो ये टाइमिंग होता है मुझे ये काम करने का होता है, तो मुझे अपने आप सपने में दिखा देता है कि उठो ये करने जाओ, ये काम शुरू करना है। तो ऐसा कई बार होता है। ये अभी ये बीच में एक 20 डेज से मुझे बहुत सारे अनुभूति ऐसे हो रहे हैं कि मैं ना मुझे योगी क्रिया हो रही है, मैं बैठे बैठे भी ध्यान में चल जा रही हूँ, कभी कभी अपने आप क्रिया होने लग रही है, और एक अजीब सा आवाज सुनाई दे रहा है कान में, कुछ बजता है फिर वो अपने आप बंद हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। पर कल तो मैं सब बजता है, कुछ बताएंगे उस आवाज के बारे में? एक मतलब एक जैसे कि कान एकदम सुन हो जाता है, एक तरफ का कुछ ऐसा हल्का सा आवाज सुनाई देता है कुछ, फिर वो अपने आप बंद हो जाता है। वो आवाज कैसी है थोड़ा बताएंगी? मैं उतना ऑब्जर्व मैंने नहीं किया, पर कुछ ऐसा लगता है कुछ चल रहा है अंदर, कुछ बज रहा है, फिर वो अपने आप, मैं जब गौर से सुनती हूँ तो फिर वो बंद हो जाता है फिर अपने आप। तो मुझे मतलब नाद के, सब लोग कहते हैं ना नाद सुनाई देते हैं, तो मुझे उसके बारे में कभी परफेक्टली मैंने मुझे पता नहीं है, और मेरे साथ कभी ये हुआ नहीं। ये अनुभूतियाँ मुझे कुछ बहुत, ये 20 दिन से ही ऐसे नए नए अनुभूतियाँ होने लगे, और योगिक क्रिया भी कई सारे, पहले मैं नॉर्मली हेड मूवमेंट्स होता था मुझे बॉडी यहाँ, अभी है ना मेरा मतलब मैं ना ताली बजाती हूँ, मेरा बैक चल जाता है हेड, मैं कभी आगे पीछे ढूलती हूँ, कभी लेफ्ट राइट ढूलती हूँ, कभी मेरा सिर्फ ओनली स्टमक का मूवमेंट होता है, सिर्फ बॉडी में सिर्फ जो रहता है ना हमारा स्टमक का हिस्सा वो मूवमेंट देता है, और बाकी सब ये रहता है। कभी नींद में चल जाती हूँ ध्यान करते करते, नींद में चल जाती हूँ, तो बहुत सारे नए नए अनुभूति हो रहे हैं। पहले मैंने 3 साल से मैं ये सब, मुझे सिर्फ एक ही थोड़ा बहुत होता था, इतना नहीं होता था, शायद अभी मेरा विश्वास और ज्यादा, मतलब मैं और ज्यादा जुड़ने लगी हूँ, और उनसे ज्यादा जुड़ गई हूँ गुरु जी से, तो शायद नए नए अनुभूतियाँ होने लगी है। और हमेशा ऐसा लगता है मैं जब भी आँख बंद करती हूँ तो चेहरे के सामने सिर्फ मुझे गुरु जी की तस्वीर दिखाई देता है, और मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब ऐसा लगता है आँख बंद करने पे सिर्फ रूम का ही तस्वीर दिखाई देता है, सपनों में भी वो ही दी, ऐसे ही लगता है कि वो सामने है, पास में कोई है ऐसा लगता है। और रोम रोम में बस गए ना गुरुदेव, ऐसा तो लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा विश्वास और अटूट होते, इतने अनुभूति हो रहे कि ऐसा लग रहा है कि और मतलब और गुरु जी पे समर्पण कर दो, और पूरी तरह उनपे पूरा ये कर दो। गुरुदेव बोलते हैं ना कि अगर आप ध्यान करने बैठोगे और आपको किसी भी प्रकार की योगी क्रिया हो जाए होगी तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर हुआ कैसे। अब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे तो जो जैसा आप कह रहे हैं कि विश्वास बढ़ता है, तो हमें ये होगा कि सच में जो गुरुदेव जितना बोलते हैं कटु सत्य है। फिर समर्पण तो अपने आप पैदा होता है। हाँ, समर्पण तो अंदर से पैदा होता है कि वाह गुरुदेव वाह, आप जैसा सच में कोई नहीं, आप जितना कहते हैं उतना हो रहा है, आपकी हर बात में सच्चाई है, बशर्ते हम कितना खाली है उसके लिए। हमें अंदर से खाली करना है ना अपने आप को। हाँ। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें चालाकी नहीं चलेगी भाई, नहीं आपको शुद्ध रूप से मुझसे जुड़ना है और अंदर से जुड़ना है, मैंने एक तरीका बताया है, उस नाम को जपना है, ध्यान करना है। और गुरुदेव तो इतना तक बोलते हैं कि आप नाम जपो ध्यान करो बाकी आपकी छुट्टी, आगे का सारा काम मेरा है, अगर मेरे में गुंजाइश है
तो आगे का काम चालू हो जाएगा। ऐसा लगता है कि वो हमेशा साथ में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हमेशा जा भी है वो साथ में है, कहीं भी जाओ ऐसा लगता है कि गुरुदेव साथ में है। अब डरने लगता। गुरुदेव 2005 जुलाई में गुरुदेव के यहाँ गया, दीक्षा लिया और मैं मंत्र जप रहा हूँ, मेरी पत्नी को दीक्षा नहीं मिली है और मेरी पत्नी को गुरुदेव ने खेचरी लगवाई बिना मंत्र के। और गुरुदेव ने खुली स्पीच में भी कहा कि चेन्नई में खेचरी लगी थी, अभी वो शिष्य दीक्षित नहीं है, उसको मंत्र नहीं मिला है। फिर मैं उसके बाद लेकर गया था गुरुदेव को प्रोग्राम में दीक्षा के लिए, चलो भाई आप भी मंत्र ले लो, जब आपको यौगिक क्रिया इतनी महा केचरी मुद्रा महारानी मुद्रा लग रही है तो आपको तो आपका तो हक बनता है कि आपको मंत्र दिया जाए, और मुझे दोष लगेगा अगर मैं नहीं लेकर गया आपको दीक्षा दिलवाने। तो फिर मैं ले गया, दीक्षा दिलवाया, और मुझे तो यौगिक क्रियाएं बहुत कम होती है, मेरी धर्मपत्नी को इतनी यौगिक क्रियाएं होती इतनी होती है कि मैं देख देख करके दंग हो जाता हूँ। कभी कभी तो मुझे क्लेश पैदा होता है कि गुरुदेव उनके साथ हो रहा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। मैं मतलब कुछ दिन पहले मैंने कहा गुरुदेव आप सभी को यौगिक क्रियाएं नए मतलब कई लोगों को किसी कई अनुभूति है जो इतने सुनने पर मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सोचती ये मेरे साथ क्यों नहीं होता है, गुरुदेव आप मेरे साथ क्यों नहीं करती। तो मतलब 20 दिन से कुछ नए नए हो रहे क्रिया है, तो मैं सोच रही हूँ ये गुरुदेव से पूछने पर शायद गुरुदेव मुझे करवा रहे ये सब नए नए। आनंद लीजिए गुरबान, और डेली जो सेशन चलता है उस पर आकर के अपना अनुभव डेली बांटिए। सेशन का समय हो गया है, मैं क्षमा चाहूंगा आप हाँ। कल जुड़िए और अपने अनुभव को साझा कीजिए। जय गुरुदेव गुरबान, जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे साधक क्या है ना, हम तो बोल रहे हैं ना कि इस जो मंच है साधकों की अनुभूतियों का है, अनुभवों का है, प्रश्नों का है, विचारों का है, इसमें और कुछ नहीं है। हमें जो गुरुदेव उस याग के माध्यम से सिद्धियों के माध्यम से जो मिल रहा है उसी को हम यहाँ पे बांटते हैं, और क्या हम बांटते हैं। अभी हम आप क्या बात कर रहे हैं, गुरुदेव के बारे में बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमें कोई धन नहीं दिया है कि नहीं मेरा प्रचार करो, गुरुदेव ने हमें जीवन दिया है, जीवन दिया है, और हम प्रचार करने के लिए विवश हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। मैं कहता हूं कि अगर मैं आज जिंदा हूं, मैं ठीक हूं, तो मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो परेशान हैं, उनको बताया जाए कि ऐसे गुरु हैं इस धरती पे जिनके तस्वीर के ध्यान मात्र से एक मंत्र देते हैं, नाम जपने से ही समस्या का समाधान हो जाता है। तो आप नियमित जुड़ते रहिए और मंच की शोभा बढ़ाइए और अपने अनुभवों को डेली साझा कीजिए अगर कोई अनुभूति हो रही है तो। जी गुरु जी, धन्यवाद आपको। मैं इस कार्यक्रम को समर्पित करने के लिए हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आए और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई, गुरुदेव सभी को जय देव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो कल की उतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।